हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी क्लासेस। आई होप सो आपको प्रेजेंटेशन का वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अच्छा लगता हो तो। और ये मेरा चैनल एसटीसी क्लास, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चलती है, तो आप अगर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, और जो भी हम बता रहे हैं, किसी एक भी पर्टिकुलर बुक में आपको ये सारा ट्रिक नहीं मिलेगा। आप कोई भी बुक सर्च मार के तो देख सकते हो, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी मेरा 8-10 को लेक्चर है, अगर आप प्रूफ कर दिए कि सर ये एक पर्टिकुलर बुक में है, ठीक है, आपको 1000 रुपए का इनाम लिख कर दे देंगे। ना दे तो आप मेरे कोचिंग में चले आना, ठीक है। कम से कम अगर 3 बुक में तो ये मिलेगा ही मिलेगा, 3-4 बुक ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप सेल्फ स्टडी करने की जगह किसी कोचिंग के पास जाए अच्छा रहेगा, क्योंकि 3-4 बुक स्टूडेंट प्रेफर नहीं करते, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, कल हम यहाँ थे, थोड़ा चर्चा करते हैं कि हम जितना भी टाइप का प्रपोजिशन होता है कैसे कैसे लगता है, थोड़ा सा एक बार ट्रेलर मार देते हैं। जैसे कहने का मतलब ये कि इन है, एट है, ऑन है, ठीक है। तो इनको जानते हैं कि बड़ा टाइम के लिए, बड़ी जगह के लिए, बड़ा समय के लिए। जैसे कहने का मतलब इन द इवनिंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। हम अगर बात करें कोई फिक्स प्लेस हो या फिर फिक्स टाइम हो, ठीक है, तो उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं। और ऑन टाइम का सिर्फ कब करते हैं, जब ऑन टाइम का मतलब होता है जो मार्जिन समय का बहुत कम हो। जैसे वो स्टेशन में तो ऑन टाइम पहुंचता है, क्लास में बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचता है। ऑन टाइम का मतलब 8 बजे क्लास स्टार्ट होना था, एग्जैक्ट 8 बजे पहुंचता है। और कुछ स्टूडेंट 8:10 पहुंचता है, तो वो दूसरा केस हो गया। बट अगर डायरेक्ट 8 बजे क्लास स्टार्ट हुआ ना, तो कैसे, जैसे टीचर क्लासरूम एंट्री किया वैसे वो भी पहुंच गया, तो वो ऑन टाइम कहलाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि एक लॉकर है, लॉकर के अंदर कोई चीज रखा है, तो क्या यूज करते हैं हम लोग, इनसाइड, पता है ना। जब लॉकर हो तो, और एक कमरा हो, कमरा रहेगा तो क्या यूज करेंगे, इन है। कमरा के बाहर से ताला बंद कर दिए तो इनसाइड। इसके ऊपर में कोई चीज फेंका, बिल्कुल ऊपर का ऊपर आ गया, तो अपॉन, ठीक है, अपॉन, ऊपर का ऊपर आ गया, अपन इसके अंदर घुस गया, तो इंटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई होप सो धीरे धीरे करके हम चर्चा करते चले, बता दें देखो, जैसे एक अपॉन था और एक ऑनटू था। जैसे अपॉन का मतलब ये कि बिल्ली यहां से जंप मारी और यहां पे आके बैठ गई, रेस्ट में थी, मोशन में आई, फिर रेस्ट में हो गए, यहाँ पे अपॉन। और ऑनटू का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई फ्लोर, जैसे कैसे आप मतलब कुछ मारे यहाँ पे पत्थर, ठीक है, आया, जैसे इस पे टकराया, टकराने के बाद क्या होगा हमको नहीं पता है, नहीं हमको नहीं पता, यहाँ भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। तो इस केस में ऑनटू, और इस पे अगर बिल्ली आई कहीं पे जंप मारती है टेबल पे, तो आराम से आके बैठ जाती है, दिखता हमें। चलिए अगला आइया, इंटू तो पता है ही आपको क्या होता है, अंदर में घुस जाएगा, ठीक है, यहाँ से कुछ फेंके इसके अंदर में घुस गया तो वो इंटू, इसको चीरते फाड़ते हुए चला गया तो थ्रू, ठीक है। ये सारा हम प्रीवियस के लेक्चर में करा चुके हैं, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए हम थोड़ा शुरू करते हैं जरा, चलिए अब जरा नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए तेज से, इन ए गुड टाइम, इन टाइम और ऑन टाइम, ये 3 तरह का वर्ड टाइम के साथ ये तीनों यूज होता है, इन ए गुड टाइम, इन टाइम और ऑन टाइम, तीनों के केस में। तो देखो, इन ए गुड टाइम का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई बंदा बूढ़ा हो, एजेड पर्सन हो, और स्टेशन पे कुछ लोग होते हैं जो 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है, आराम से बैठ करके आराम से इंतजार कर रहे हैं टाइम का, 8-9 बजे ट्रेन है और 8 बजे पहुंच जाते हैं, तो वैसे लोग के लिए इन्हें गुड टाइम का यूज करते हैं। दूसरा आता है मेरा इन टाइम, जैसे अगर मान लीजिए कि 9 बजे मेरा ट्रेन है, ठीक है, और ये लोग बिल्कुल 10-15 मिनट पहले पहुंचते हैं, 15-20 मिनट, मतलब कि ट्रेन के स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट पहले हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए, तो वो इन टाइम का प्रयोग करते हैं, मतलब वो
मतलब गुड मार्जिन, मार्जिन समझता है डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस है, 15-20 मिनट बहुत होता है। और हम लोग क्या करते हैं, बस ट्रेन खुल गया है ना, सीटी मार गया, तो हम लोग दौड़ के जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, अंदर घुस जाते हैं। कभी दिखता है आजकल लड़का लोग यही करता है, ठीक है। बस अभी ट्रेन खुल गया ना, सिटी मार दिया, फिर भी कोई दिक्कत है, लाइए ना जी, दूगा ठंडा दीजिए ना, पहले स्टार्ट चले दीजिए, पहले चल रहा अदा पीते पीते दौड़ते हुए भाई हाथ दे देना, अब तो अंदर घुस जाता है जम्मू। ऐसे जो करता है वो ऑन टाइम का बंदा होता है, और आज का यूथ जनरेशन वो यही करता है, ठीक है। तदम लिटिल मार्जिन, लिटिल मार्जिन समझ रहा ना, बिल्कुल एक मिनट का डिफरेंस या फिर 30 सेकंड का डिफरेंस, ठीक है। चलो सबको क्लियर ना। हमने कल एक सेंटेंस बताया था कि द GKGS क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, ज्यादा या तो आप लोग व्हाट्सएप पे ही करते हो, सही है, क्या गड़बड़ है? ऑन फ्रॉम नाम का ऐसा कोई वर्ड, जैसे हमने कल बताया था कि स्टार्ट है, बिगिन है, और एक कौन सा वर्ड था, कौन सा था, कमेंस। तीनों के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम क्या है, गलत। क्लियर, चलिए नोट कीजिए, मिटा देना। कोई डाउट यहां तक, नहीं ना, डाउट हो प्लीज पूछ लीजिएगा। अगला आइए, चलिए कुछ प्रीपोजिशन, हाँ कुछ कनेक्शन के साथ आते हैं हम लोग, कि बिटवीन के साथ कौन सा कनेक्शन आता है, बिटवीन के साथ टू आता है कि एंड आता है, टू क्या आता है, टू सर। द क्लास विल The class will be continued. Continued between 7 PM to 9 PM. या फिर बोलिए, फल लगता है जी, तो यही आप जो भी कुछ हम बताएंगे ना, ठीक है, जो भी कुछ हम बताएंगे, जो भी आप बुक में पढ़े हो अकॉर्डिंग टू ग्रामर, मैक्सिमम पार्ट वो गलत है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर सेक्शन के हिसाब से। तो आपको ध्यान रखना है कि बिटवीन के साथ कंजंक्शन एंड का प्रयोग होता है, टू कभी नहीं होता है। तो जो भी आप पढ़े हो वो सब गलत है, आप जो भी कुछ हम बताएंगे तो सब का सब आज आपको लगेगा कि भाई बुक में गलती चीज लिखा हुआ है, तो ये सारा पार्ट गलत है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है। तो ये चीज आपको आज जितना कुछ बताएंगे ना, सबको आप उल्टा ही बोलोगे, ठीक है। तो ये प्रपोजिशन है, इसीलिए सबसे खतरनाक चैप्टर ये होता है, टोटल 30 मार्क्स का इससे पूछता है। तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, फ्रॉम के साथ क्या लगता है भाई, एंड लगता है कि टू लगता है या फिर टिल लगता है, फ्रॉम टू, बोलिए, फ्रॉम के साथ टू लगता है, वेरी गुड, और टिल भी लगता है, एंड गलत है, ठीक है। चलिए तो एक सर, हाँ जैसे एक सेंटेंस देखिए, पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, पॉइंट वन और ये पॉइंट टू, तो आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल From 1991 to and 2007. I have been teaching in this school from 1991 and 2007 या 1991 to 2007. कौन सा लगेगा? तो from के साथ preposition कौन सा? To का प्रयोग करते हो, and clear? बोलिए, बिटवीन के साथ एंड लगता है, ठीक है, इसे ध्यान रखना, टू लगाते हैं फ्रॉम के साथ,
ये काट दिए ना लिख करके, तो लिख के काटना स्टेप से, ठीक है? तो ध्यान रहेगा, लिख करके काट दोगे तो पता रहेगा। चलिए मिटा रहे हैं ऊपर वाला, ठीक। हाथ तेजी से चलाते रहिएगा। ओके जी, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एक सेंटेंस है, आपको बताना है कि गलत है। पॉइंट नंबर आई नीड योर फेवर, इसका हिंदी क्या हुआ? मुझे तुम्हारा फेवर, फेवर का मतलब सपोर्ट, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट? इफ करेक्ट देन ओके, इफ नॉट करेक्ट टेल मी व्हाई। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट लाइक योर सेपरेशन। मुझे तुम्हारा अलग होना, मुझे तुम मेरा, आई डोंट लाइक योर सेपरेशन, मुझे क्या निकला इसके अंदर कि मुझे तुमसे अलग होना पसंद नहीं है, नहीं निकला ना? सेपरेशन मतलब क्या? अलग होना, जुदा होना। तो मुझे तुमसे अलग होना पसंद नहीं है। इज दिस बोथ द सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट? इफ करेक्ट इज देन ओके, इफ नॉट करेक्ट व्हाई? टेल मी, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। मुझे तुमसे दूर रहना, मुझे तुमसे दूर रहना रहना पसंद नहीं है। बोलो करेक्ट कि गलत है? सही है, पसंद नहीं है। आप लोग भी बुक वगैरह पढ़ के आया कीजिए, ठीक है? अगर आपको ढेर सारा रूल्स देखना है तो आपको लूसेंट इज द बेस्ट बुक, ठीक है? तो मुझे तुमसे दूर रहना पसंद नहीं है। देखो तो किसी भी वर्ड के साथ जब कोई पॉजिटिव केस यूज करते हैं, ये आपका ओर, माय, योर, माय, डियर, हिज, सब क्या है पॉजिटिव केस? इसको ये हिंदी आपका ये है, आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद है। क्या सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलग होना, टुकड़ा होना, बंटवारा होना। तो मुझे तुम्हारा अलग होना पसंद नहीं है। देखो हिंदी यहां से निकल रहा है, बट ये हिंदी क्या है? मुझे तुमसे दूर रहना पसंद नहीं है। बट इसको देखो, आई डोंट लाइक योर सेपरेशन, मुझे नहीं पसंद है क्या तुम्हारा टुकड़ा होना, या फिर अलग होना। मुझे नहीं पसंद है, मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा अलग होना। बट हिंदी क्या है? मुझे तुमसे दूर रहना पसंद नहीं है। एक यहां देखिए, आई नीड योर फेवर, मुझे तुम्हारे फेवर की जरूरत है। हम आपको कुछ नोट्स लिख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कोई भी पॉजिटिव केस यूज नहीं होता है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये एग्जामिनेशन में आएगा कॉमन एरर में, तो इट इज नॉट वेरी इजी टू टिक आउट द एरर, ठीक है? आपको यहां से पता नहीं चलेगा, देख ही रहेगा, डॉट नहीं है, नहीं। पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस समझते हैं क्या होता है? पॉजिटिव केस जैसे योर, माय, डियर, हिज, हर, ये सारे पॉजिटिव केस। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ ये यूज नहीं होता, ठीक है? जैसे कुछ लिखो, सेपरेशन। अगला लिखिए फेवर। देखिए यहां सेपरेशन, फेवर, पार्डन, रिपोर्ट, मेंशन, पार्डन, रिपोर्ट, क्या हुआ? क्या हुआ जी? नोट करते इसे मिटा देंगे। मेंशन, लीव, साइट, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ कभी भी ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है? तो इसकी जगह क्या लगेगा?
ये सेंटेंस पूरा का पूरा गलत है। आपको कुछ रूल्स हैं जो ध्यान रखना है, कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ कोई भी पॉजिटिव केस डिस्टर्ब का नहीं लगता। तो फेवर आ गया, तो फेवर के साथ पॉजिटिव केस नहीं लगा, तो पॉजिटिव केस में योर आता है, तो योर आपका सेंटेंस पूरा का पूरा गलत होगा। इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आई नीड अ फेवर फ्रॉम डन, दिस इज दी 100% करेक्ट क्वेश्चन। इसको बताइए क्या होगा, बोलो मिटा रहे इसको, कौन सा मिटा रहे, कौन सा मिटा रहे, ऊपर मिटा रहे हैं नीचे नोट्स मिटा दिए, सब मिटा, सब लिख लिए नोट का रहा नोट्स का नोट उसको रहने से नहीं लिख सर नोट्स मिटा दीजिए। अरे ये लिखो ना पहले इसको ऊपर वाला, गजब है हमको फंसा के रखा हुआ। तो आई डोंट लाइक योर सेपरेशन, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, कोई बोलेगा, कोई बोलो, डोंट लाइक सेपरेशन, आई डोंट लाइक सेपरेशन फ्रॉम यू, तुमसे। देखो फ्रॉम का वर्ड यूज कब करते हैं, जब दो चीज सेपरेट होने का बात होता है, तो फ्रॉम यू, तो तुमसे दूर रहना, तो दिस इज दी सबसे पहले तो सेपरेशन है, और सेपरेशन के साथ कभी भी कोई आगे में कोई पॉजिटिव केस नहीं लगाते हैं, इसीलिए ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। और यहां देखिए सेपरेशन के साथ कोई पॉजिटिव केस नहीं लगा है, तो ठीक है, क्लियर, मिटा रहे ऊपर से मिटा रहे नीचे से। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला आइए पॉइंट नंबर फाइव, अगला है कुछ वर्ड है जिनको आप याद रखना है कि परफेक्ट प्रपोजिशन लगता है, सबका एक वर्ड आता है के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ, बोलना इसमें गलत कौन है, गलत कौन है इसमें बताइएगा, डिस्पाइट ऑफ, कौन गलत है, डिस्पाइट इसमें गलत कौन सा है, इसका पूरा में हिंदी होता है के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट किसके साथ, किसके साथ, सबसे तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ या फिर फॉर ऑल या नॉट विद स्टैंडिंग, सबका मतलब होता है के बावजूद। नोट कीजिए जल्दी, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट डू वेल, कहता है इसका हिंदी क्या होगा, बोलो जरा, कड़ी मेहनत करने के बावजूद, हाँ तुम अच्छा नहीं कर सकते, क्या बोला, कड़ी मेहनत करने के बाद तुम अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते तुम, वाह हाँ, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करने के बावजूद ही कुड नॉट डू वेल, वो फिर भी अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है, बताइए सेंटेंस सही है गलती है, बोलिए सही है कि गलत है, अगर हम डिस्पाइट ही चर्चा कर रहे हैं ना, अगर यहां पे ऑफ रहता तब ना कुछ गड़बड़ होता, नहीं है ऐसा, बोलो ये भी टेंटन है,
फॉर ऑल है ना, ठीक है नोट कर। अरे सारा सेंटेंस मेरा रहने दे, तुम लोग कोई ढूंढो जरा कि ही नोट कर लिया ना। आगे बढ़े हैं। चलिए तो ये मेरा पार्ट 8 यहीं पे खत्म होता है, इसके बाद हम लोग पार्ट 9 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज गो टू सम इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन, फॉर बेटर एजुकेशन एंड सो दैट यू कुड क्रैक एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।